रहा अमेरिका। रूस को भी बस 4 ही दिन लग रहा है, जबकि अमेरिका रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी महज 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत ने अब 3रा चंद्रयान लॉन्च करता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला स्पीड और सीधे प्रक्षेपण पथ की जरूरत होती है। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न वी का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें 1,000 किलोमीटर की दूरी को $385 मिलियन की रकम इस मिशन पर खर्च की थी। इसके उलट भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया और नासा के बजट के अनुरूप बहुत कम बजट यानी लगभग 600 करोड़ रुपए में तैयार किया है। शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 3,900 किलोग्राम है, इसीलिए कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह मंगल मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो चांद पर पहुंचने में रॉकेट और ईंधन का बहुत महत्व होता है। जितना कम दिनों में चांद ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल व्यर्थ समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।